साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक बढ़कर एक्ट्रेस ने अपना जलवा बिग स्क्रीन पर दिखाया है, चाहे फिर वो अनुष्का शेट्टी से लेकर तमन्ना या समांथा जैसी हीरोइनें हो। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो धीरे धीरे इन्हें कड़ी टक्कर दे रही है और साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई हैं। इस एक्ट्रेस का नाम है रश्मिका मंदाना। अपने चंचल और डाउन टू अर्थ नेचर से इन्होंने साउथ की ऑडियंस का दिल तो जीता ही, अब वो बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाने आ रही हैं। तो आइए जानते हैं इनकी फैबुलस लाइफ के बारे में कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 विराजपेट कोडागु कर्नाटका में हुआ था। बात की जाए इनकी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तो रश्मिका ने अपना डेब्यू कनाडा फिल्म केरिक पार्टी से किया। रश्मिका वन ऑफ द हाईली एजुकेटेड स्टार ऑफ टॉलीवुड में से एक है। उन्होंने साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में एजुकेशन परस्यू की है। 2018 में उन्होंने अपना तेलुगु डेब्यू किया एक रोमांटिक फिल्म छालो से, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 2018 में ही उन्होंने गीता गोविंदम नाम की फिल्म की और ये तेलुगु सिनेमा की बिगेस्ट हिट्स में से एक साबित हुई। एक के बाद एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए रश्मिका ने ऑडियंस के दिलों में तो जगह बनाई ही, साथ ही वो अब बैंकेबल तेलुगु एक्टर्स में से एक है। अब रश्मिका साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी है। पिछले साल वह साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म सेरिलेरियो निक के वरु में नजर आई थी और जैसे रश्मिका की बाकी सारी फिल्म्स ने बड़े पर्दे पर जादू चलाया, यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद रश्मिका मंदाना साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गयी। बता दें कि रश्मिका ने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी फिल्म किरिक पार्टी के को स्टार रक्षित शेट्टी से मंगनी कर ली थी, लेकिन कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चलते वो दोनों ने म्यूचुअली मंगनी तोड़ दी। रश्मिका को मंगनी टूट जाने पर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था, जैसे कि एक इंटरव्यू में रश्मिका ने कह दिया था कि उन्हें कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं पसंद। उनका इंटेंशन ये कहने के पीछे कुछ और था, बट फैंस नाराज हो गए और इस स्टेटमेंट को उनके एक्स से कोरिलेट करने लगे। जी हाँ, रक्षित कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार हैं और रश्मिका और रक्षित की मंगनी भी इस स्टेटमेंट के आने से पहले ही टूटी थी। सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस दो अलग टीम्स में बट गए थे। फैंस को लगने लगा कि रक्षित से मंगनी टूटने के कारण रश्मिका को कन्नड़ा फिल्म्स नहीं करनी, लेकिन इस किस्से के बारे में रश्मिका ने सफाई पेश की, बल्कि रक्षित ने भी ये सारे रूमर्स को रिफ्यूट कर दिया। इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच वो अपने काम को अफेक्ट ना करते हुए बड़े पर्दे पर अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सबका दिल जीतती गई और 2018 की कन्नड़ा फिल्म चमक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई। रश्मिका से कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में पूछने पर उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग जवाब देते हुए कहा था कि वो कॉन्ट्रोवर्सी मिस करती है। जी हाँ, आपको ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन रश्मिका ने ई टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉन्ट्रोवर्सीज ने मुझे बहुत रुलाया है। हालांकि आज अगर मेरे बारे में कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं पब्लिश की जाए तो मैं उन्हें मिस करने लगती हूँ। मैं उस फेज में हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में बात करें। मैं अपनी माँ और मेरे वेल विशर्स को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह देखती हूँ, जिससे कि नेगेटिविटी मुझे अफेक्ट ना करे। रश्मिका मंदाना अब इतनी फेमस हो गई है कि इनके चर्चे बॉलीवुड के गलियारों तक भी है। रश्मिका को बॉलीवुड से भी कई ऑफर्स मिले हैं, जैसे कि उन्हें शाहिद कपूर के अपोजिट फिल्म जर्सी के लिए अप्रोच किया गया था, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। INS के इंटरव्यू में ये फिल्म रिजेक्ट करने का कारण बताया कि अगर मैं किसी फिल्म का हिस्सा हूँ तो वह इसलिए क्योंकि मैं उस फिल्म को अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। मैं ऐसी कोई फिल्म एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसमें मुझे लगता है कि इस फिल्म के निर्माता बेहतर एक्टर डिजर्व करते हैं, कोई ऐसा जो इस कैरेक्टर में एनर्जी भर सके। रश्मिका एंड विजय देवरकोंडा की जोड़ी मोस्ट लव्ड ऑन स्क्रीन जोड़ी में से एक है। आपको भी ये जोड़ी काफी पसंद आई होगी मूवी डियर कॉमरेड या गीता गोविंदम में, और दोनों रियल लाइफ में भी काफी क्यूट लगते हैं। इनफैक्ट रूमर्स ये भी थे कि मूवी डियर कॉमरेड के बाद रश्मिका एंड विजय डेट भी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के फैंस के लिए यह सैड न्यूज है कि दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों शायद 2 साल तक साथ में ऑन स्क्रीन नहीं दिखेंगे। बताया जाता है कि इसका कारण रश्मिका के एक्स रक्षित है,
द अकोमोडेट फिल्म में उन्हें रश्मिका और विजय के किसिंग सीन से प्रॉब्लम थी। वैसे आप ये नहीं जानते होंगे, रश्मिका जो लाखों करोड़ों की फेवरेट सेलिब्रिटी है, उनके भी कुछ फेवरेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हॉलीवुड से एमा वॉटसन, टॉलीवुड से रजनीकांत और सुपर एनर्जेटिक रणवीर सिंह एंड बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। उन्हें शकीरा के पॉप सॉन्ग्स एंड जस्टिन बीबर के कई सारे ट्रैक पसंद है। वो साउथ कोरियन बॉय बैंड BTS के म्यूजिक भी सुनना एंजॉय करती हैं। रश्मिका मंदाना इज अ पेट लवर एंड उनके घर में कई पपीज हैं। जी हाँ, जब वो शूट नहीं करती होती हैं, तो वो इन पपीज के साथ वक्त बिताती हैं। उन्हें फैमिली टाइम स्पेंड करना जितना पसंद है, उससे कई ज्यादा अपनी छोटी बहन शिमन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। यहाँ तक वो शिमन के बगैर रह नहीं सकती। रश्मिका वैसे तो अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन वो भी आम लोगों की तरह खाने की शौकीन यानी फूडी हैं। इनफैक्ट ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका खुद को वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन की क्वीन बताती हैं। जी हाँ, आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि रश्मिका नूडल्स में लेस और बिरयानी में रसम जैसे कॉम्बिनेशंस पसंद करती हैं। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो बता दें कि रश्मिका अब जल्द ही बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। 1970s के रियल इवेंट पर आधारित फिल्म मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आएंगी। मूवी की शूटिंग 4 मार्च से लखनऊ में शुरू हो गई है। रश्मिका ने दूसरी बड़ी फिल्म गुडबाय विक्रम बहल के निर्देशन में अमिताभ बच्चन के अपोजिट साइन की है। मूवी में नीना गुप्ता भी नजर आएंगी। वेल, क्या आप एक्साइटेड है रश्मिका मंदाना के बॉलीवुड डेब्यू के लिए? तो अपनी एक्साइटमेंट जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब बॉलीवुड नाउ ऑन YouTube. Do follow us on Facebook and Instagram.